Hello friends, welcome to my channel. So in today's video I am going to show you how can you do this balcony makeover with this beautiful Valdi painting. Guys, it's so easy, so let's get started. बिफोर मूविंग टू वॉल मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी हाउ टू ड्रॉ वॉली पेंटिंग. सो गाइज मैंने यहाँ पे टू डायगोनल लाइंस ड्रॉ कर लिए कनेक्टेड इट विद अ स्ट्रेट लाइंस. ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन और एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है. इसी तरीके से मैंने उनके हाथ भी दो डायगोनल लाइंस से बनाए हैं और पैर भी. सो गाइज दिस इज सो इजी, आपको इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ड्रॉइंग आनी ही चाहिए, ये बहुत बेसिक है और ये कोई भी बना सकता है. तो गाइज इसी तरह से मैंने एक दो और डिज़ाइंस मैं आपको बताऊंगी जो मैंने अपने वॉल्स पे बनाए हैं. तो गाइस यहाँ पे मैंने इसके सर पे एक बन बनाया, तो कोई भी लेडी होगी तो उसके सर पे बन होगा और जिसके सर पे बन नहीं है इट विल बी अ मैन. गाइस आपको नेट पे बहुत सारे डिज़ाइंस मिल जाएंगे वॉर्ली के, तो आप वहाँ से देखकर आपके मनपसंद डिज़ाइंस बना सकते हैं. मैं आपको सिर्फ थोड़े बहुत बेसिक्स जो डिज़ाइंस है वो दिखा रही हूँ. तो यहाँ पे ये आदमी पानी भर के ले जा रहा है. तो गाइस मैंने यहाँ पे एक एनिमल भी बनाया है, तो वो बेल को ले जा रहा है वहाँ पे. ठीक है, तो मैंने एक बैलगाड़ी बनाई है अपने वॉल पे, तो मैंने सोचा आपको मैं बेल कैसे बनाते हैं वो भी दिखा देती हूँ. तो गाइस यहाँ पे मैंने एक प्लांट का छोटा सा दिखाया है, इट्स वेरी इजी. ठीक है, और यहाँ पे मैं अभी उनका घर कैसे रहता है मैं वो दिखा रही हूँ. उनके अलग अलग टाइप्स के घर हैं, सो मैंने यहाँ पे दो टाइप्स के घर बनाया है, मैं जिसमें से एक आपको यहाँ दिखा रही हूँ. ये मैं आपको, ये मेरी गैलरी है और ये आप देख सकते हो जो विंडो के साइड में जो ब्लैंक स्पेस है मैं वहाँ पर वाली बनाने वाली हूँ. तो गाइस पहले मैंने यहाँ पे चॉक से सारी वाली पेंटिंग्स बना ली है, सो आपको कोई गलती करो तो आप उसको मिटा सकते हो. ठीक है, सो यहाँ पे इक्वल स्पेस छोड़ छोड़ के मैंने पूरे चारों साइड्स उस विंडो के वाली पेंटिंग चॉक से बना ली है. तो गाइस यहाँ पे मैंने वॉल पेंटिंग कलर यूज़ किया है, आप चाहे तो गेरू जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं या तो एक्रेलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं. तो गाइस आपको एक स्मॉल ब्रश लेके इस तरीके से धीरे धीरे पहले आप वॉली पेंटिंग की आउटलाइन कर लीजिए और फिर उसके अंदर स्पेस पूरी फिल कर लीजिए, तो आपकी जो लाइन्स है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी. गाइस मेरी जो वॉल थी वो बहुत खड़बड़ी थी, सो स्ट्रेट लाइन्स आना थोड़ा मुश्किल हो रहा था. ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे जो औरत है वो खाना पका रही है.
ऐसे ही आप अलग अलग अपने चॉइस से गूगल से आप रेफरेंस लेके ये वाली बना सकते हैं। गाइस इट वेरी इजी, तो ये कोई भी बना सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए ड्राइंग पेंटिंग आनी चाहिए। देखिए पहले मैंने सारी आउटलाइन बना ली है एंड देन मैं फिर उसको फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो आपको आदमी पानी भर के ले जा रहा है वो दिखाया था, मैंने वो यहाँ पे बनाया है। तो गाइस मैंने यहाँ पे हर जगह वॉली बना ली है, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या पैटर्न्स बनाए। सो ये औरत पानी भरने जा रही है, मैं आपको दिखाया खाना बना रही है, यहाँ पे मैंने बैलगाड़ी बताई है, मैंने आपको बेल कैसे बनाते वो दिखाया है, यहाँ पे मैंने एक दूसरे टाइप का घर बनाया है। सो गाइस यहाँ पे मैंने एक पूरी सीरीज टाइप बना ली है कि वो लोग बैंड बजा रहे हैं और आजू बाजू वो लोग नाच रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने एक घर बनाया, तो सिमिलरली मैंने यहाँ पे भी एक दूसरे टाइप का घर बनाया है। और यहाँ पे देखिए ये बेल को घुमाने ले जा रहे हैं, यहाँ पे ये वापस से खाना बना रही है, ठीक है। यहाँ मैंने एक झाड़ जो आपको दिखाया था वो ये झाड़ बनाया है, ये आदमी देखिए यहाँ पे भी मैंने काइंड ऑफ सीरीज बनाई है कि पानी भर रहा है, ठीक है, फिर वो पानी से बच्चे को नहला रही है। सो देखिए गाइज आई एम डन नाउ, सो इस तरीके से मैंने चारों ओर ड्रॉ करके देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है गाइज। और इस तरीके से आप बहुत सिंपली अपनी बालकनी को मेकओवर कर सकते हो, और ये बहुत सिंपल है तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और गाइज आपको कभी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो सो गाइज प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकॉन एंड गाइज यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।